बुधवार को खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मैच जो कि था एमआई और एसआरएच के बीच। दोस्तों इस मैच में सिर्फ तबड़तोड़ बल्लेबाजी ही नहीं हुई, साथ में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़े गए। सबसे पहले ये रोहित का 200वां मैच था और हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा एसआरएच को। फिर शुरू होता है तबड़तोड़ बल्लेबाजी और रिकॉर्ड्स तोड़ बारियां, और इसकी शुरुआत की थी ट्रेविस हेड ने, जिन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्के की मदद से अपना 50 रन पूरा किया। फिर रिकॉर्ड्स तोड़ने आए अभिषेक शर्मा, जिसने हेड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से जड़ दिया अपना 50। यही नहीं रुकी दोस्तों, बाद में क्लासन आकर सिर्फ 34 गेंदों में 80 रन बनाकर टीम का स्कोर 277 तक पहुंचा दी। और इसी के साथ एसआरएच आईपीएल इतिहास का एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम भी बन गई। और उधर इतना बड़ा टारगेट देखकर हार्दिक पांड्या और पूरी मुंबई की टीम शॉक्ड होकर रह गए। लेकिन बाद में चेस करने उतरी मुंबई की टीम भी बहुत ही बढ़िया काउंटर अटैक किया, लेकिन अंत में मैच हार गए। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ ये मैच कैसा था।